दोस्तों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 में शो के इस सीजन का दूसरा एलिमिनेशन फाइनली इस रविवार को हो ही गया। और दोस्तों इस एलिमिनेशन के साथ ही लास्ट वीक एक और कंटेस्टेंट हो गया शो से एलिमिनेट। जी हां, वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट एलिमिनेशन की तरह इस बार का एलिमिनेशन भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहा, खासकर शो के इस लेटेस्ट एलिमिनेशन में आए बॉटम 3 कंटेस्टेंट्स के नाम। तो दोस्तों इस हफ्ते के एलिमिनेशन में जिन बॉटम 3 कंटेस्टेंट्स का ऐलान किया गया वो रहे कंटेस्टेंट आद्या मिश्रा, सुरेंद्र कुमार और दोस्तों मैथिली सोम। जी हां, वहीं दोस्तों इन बॉटम 3 कंटेस्टेंट्स में आखिर कौन हुआ शो से एलिमिनेट, दोस्तों उसका नाम बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि इन बॉटम 3 कंटेस्टेंट्स में आद्या मिश्रा का नाम सबसे ज्यादा शॉकिंग है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, आद्या मिश्रा शो के टॉप 3 हाईएस्ट वोटिंग कंटेस्टेंट्स लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों उनका बॉटम 3 में आना, जजेज का ये फैसला हर किसी को हैरान कर गया। यहां तक कि शो के दर्शक भी इस डिसीजन से जरूर निराश होंगे। वहीं दोस्तों एंड में आपको बता देंगे इन बॉटम 3 कंटेस्टेंट्स में सबसे कम वोट्स के चलते मैथिली सोम को इंडियन आइडल का यह मंच छोड़ना पड़ा। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों इस हफ्ते कम वोट्स के चलते मैथिली सोम को इंडियन आइडल सीजन 14 से बाहर होना पड़ा। तो दोस्तों इंडियन आइडल के मंच पर इस हफ्ते हुए एक और शॉकिंग एलिमिनेशन के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे।